वाले के जूझ मरा सिर से मैं, अब तक गति हुई है ना। रानी तिल का गज मोतन की, अब वहाँ कौन खबर ले जाए। इतनी बात सुनी रानी की, राजा गया सना का खाए। उस बिगड़ गए चंदे लेके, मुह पर गई उदासी छाए। पटी पपीड़ी जब दिन निकला, राजा गए कचहरी आए। कलम दबात हाथ में लेकर, और चिट्ठी को लिखा बनाए। श्री सिद्ध नारायण लिख दिया, बीच में गंगा रहे सहाय। तुझे गुसैया मुझे परमेश्वर, जागन सुन लो कान लगाए। चिट्ठी पढ़कर तुम जल्दी से गढ़महबे में पहुँचो आए। और नौलख दल से फिर जी आया, गढ़महबे को लिया घेराए। लेकर चिट्ठी हलकारे ने, वहां से कूच दिया करवाए। आकर पहुँच गया कंपू में, फिर कुछ देर लगाई नाए। रात दिना की मंजिल करके, जगनेरी में पहुंचा जाए। जहां दरबार लगा जागन का, वहां हलकारा पहुंचा जाए। सात कदम से करी कोर्निस, आगे शीस नवाया जाए। और काढ़ के चिट्ठी हलकारे ने, आगे धरी तखत पर जाए। ले ली चिट्ठी नर जागन ने, निरंकार का ध्यान लगाए। मोहर देख कर चंदे लेगी, जागन बहुत खुशी हो जाए। होश बिगड़ गए नर जागन के, सारा कांप गया दरबार। ओ मरना सुन कर नर मलखे का, जागन रोया जार बेजार। मलकान मारा गया। जब यह जान लिया जागन ने, मारा गया वीर मलखान। महोबा घेर लिया पृथ्वी ने, खुश हो रहे धनी चौहान। पांचों कपड़ों को झट पहना, पांचों लिए हथियार लगाए। और देर लगाई ना जागन ने, अपना घोड़ा दिया बढ़ाए। रात दिना की मंजिल करके, गढ़महबे में पहुंचा जाए। जहां कचहरी चंदे लेके, जागन लगा बराबर जाए। वो हाथ जोड़ कर नर जागन ने, चरणों में दिया शीस नवाए। वीर मलखान मारा गया। पृथ्वीराज ने महुआ को चारों ओर से घेर लिया, और ये धनी चौहान खुश हो रहे। इतनी सुनकर चंदे लेने, फिर जागन से कहा सुनाए। खिड़की बंध गई चंदे ले की, मुँह से करता हाहाकार। जब से उदल गया महोबे, हम पर आई विपत अपार। ओ बड़ा सहारा था मलखे का, उस दुश्मन ने डाला मार। मेरी विपता में शामिल हो जाओ, जगनेरी के राजकुमार। और आल्हा उदल के लेने को, जाओ लाखन के दरबार। देखो जागर, महोबा से जब से उदल गया है, हम पर परेशानी ही परेशानी आ रही है।
मलखान को उदल का बहुत सहारा था। मलखान को दुश्मनों ने मार डाला। हमारी इस परेशानी में आप हमारे साथ हो जाइए। उदल और आला को लेने के लिए लाखन के दरबार चले जाएं। पावनगढ़ की जो चौसर है सारी मिले खाक में जाए। लूट मचावे गढ़ महुवे की काले पांखे दे करवाए। यह कह दी जो तू उदल से मेरी तकसीर माफ हो जाए। और बिना चढ़ैया रस बेंदुल के अब यहाँ काम चलेगा नाय। मल के मरा पड़ा सिर से में उसकी गति हुई है नाय। गज मोतन और रानी तिलका की जाने क्या गत करी बनाए। इतनी सुन ली नर जागन ने नंगी सूत लई तलवार। और गुस्सा आया है जागन को ऐसे बोल उठा ललकार। लौट के जवाब दिया जागन ने राजा मत कर सोच विचार। मैं जाता हूँ गढ़ कनवज को तुम यह रहो बहुत होशियार। चल दिया जागन अब कनवज को नंगी सूत लई तलवार। तो जीन पकड़ करके घोड़े की जागन कूद हुआ असवार। यहाँ की बातों को यहाँ छोड़ो अब पृथ्वी का सुनो बयान। जब यह खबर हुई माहिल को अब कनवज को जा बलवान। जागन जावे है कनवज को आल्हा उदल पहुँचे आए। वो सात लाख से लाखन आवे कर दे मार मार मैदान। बोला माहिल जब ललकारा अर्जी सुनो धनी चौहान। आल्हा उदल के लेने को जागन जा रहा है बलवान। जो यह आ गए आल्हा उदल कर दे मार मार मैदान। और जागन जा रहा है कनवज को वह उदल को लावे बुलाए। जा जाए तो लो दुश्मन को ऐसा वक्त मिलेगा ना। और जो तुम मार दे ओ जागन को फिर उदल आने का ना है। सुन लो महाराज, आला उदल को लेने जागन चला गया है। अगर आला उदल यहाँ आ गए तो हमारी खैर नहीं है। हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर जागन को मार दिया तुमने तो वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। हाँ, ये बात सही है। जागन को मरवा देना चाहिए। जब यह बात सुनी माहिल की उसके दिल में गई समाए। जल्द बुलाया है धांधू को ऐसे कहने लगा समझाए। जागन जा रहा है कनवज को धांधू सुन लो कान लगाए। फौज सजाओ तुम जल्दी से अब कुछ काम देर का ना। जाकर रोको तुम जागन को आगे जाने पावे ना। वो जान से मारो तुम जागन को उसका खटका देओ मिटाए। धांधू तुम जल्द से जल्द फौज लेकर जाओ और जागन को मरवा डालो। जो आज्ञा महाराज। हुकुम सुनाया सरदारों को अब क्यों रखी देर लगाए। करो तैयारी अब लड़ने की जिसको दे सारदा माए। चल पड़ा धांधू लश्कर लेकर वहां से पूछ दिया करवाए। जो भी सड़क थी गढ़ कनवज की और रस्ते को घेरा जाए। रास्ता रोक लिया धांधू ने जंगी पहरे दिए लगाए। आता देखा जब जागन को मन में बहुत खुशी हो जाए। गरज के बोला है जागन से जागन सुन लो कान लगाए। कदम न रखियो तू आगे को तुमको ऐसा चाहिए ना है।
बोला जागन फिर ललकारा, भांजे सुनो बना फल राय, अब तुम रोको हो जागन को, तुमको ऐसा चाहिए ना। लाश पड़ी है गढ़ सिरसी में, मरा पड़ा है पीर मलखान, और लेने जाता हूँ उदल को, तेने रास्ता रोका आन। गरज के बोला है धांधू से, अब तुम सुनो चमेला राय, के रास्ता मत रोको मामा का, ऐसा तुम्हें मुनासिब ना है। खड़ा सामने जवा चलावे, तुझको शर्म आवती ना है। तुमने संग लिया गैरों को, हमने वन में घेराया है। विराट नगर से जब आए थे, तेरे दिए थे मान घटाए, मुझको जाना गढ़ कनवज को, नर उदल को लाऊं बुलाए। मान घटा दे सब जवानों के, जो आ गए उदय चंद्राए। मैंने वो तार लिया सहदेव का, तुझको जिंदा छोड़ू ना, खोज मिटा दूं चौहानों का, जो मेरा नाम जगन सीरा है। इतनी सुन के नर धांधू ने अपना तेगा लिया उठाए, जितने जोधा थे धांधू के सारे एकदम पड़े अड़राए। इकला जागन था घोड़े पर, चारों तरफ से लिया घिरवाए, इकले जागन के मोड़े पर सारे एकदम पड़े अड़राए। खट 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 तेगा बाजे, चल रही चपक चपक तलवार, सर 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 सहटी चल रही, जिसके लगे निकल जाए पार। रिम झिम गोली बरसे, जैसे बरसे मेघ मलार, है जागन को सारे करते मार ही मार। जैसे अहरन पर घन पटके, ऊपर दह दह करे लोहार, यह गत हो रही है जागन की, सारे करते मार ही मार। टांग उठाई फिर जागन ने, और पंजे में लई दबाए, ऐसे घुमाई दोनों हाथ से, जैसे मुगदड़ रहा घुमाए। दांत बतीसों को धर दाबा, और धांधू पर दई चलाए। अजगर सांग पड़ी जागन के, जिसका बार न खाली जाए। आकर बैठी नर धांधू पर, ओंदा पड़ा धरन में जाए, इधर तो जागन पड़ा खेत में, अपनी जान को रहा बचाए। उधर खबर हो गई ब्रह्मा को, नर जागन को देखा जाए, भारी सोच हुआ ब्रह्मा को, अब क्या ले हूं जतन बनाए। जल के ब्रह्मा रापट हो गया, गुस्सा गया बदन में छाए, चल दिया ब्रह्मा जब कंपू को, हाथ में तेगा लिया उठाए। हुकुम सुनाया सरदारों को, अब क्यों रखी देर लगाए। जब ये बात सुनी ब्रह्मा की, सबको हो गई खुशी अपार। तोप दरोगा ने जल्दी से अपनी तोप करी तैयार, जितने हाथी हाथी खानों में, सब पर गदे धरे सवार। घोड़े सज गए घोड़साला में, सारे सज गए सुतर सवार, पांचों कपड़ों को पहना है, पांचों बांध लिए हथियार। सजे सूरमा गढ़ महुवे के, जिनकी सही जाए ना मार। We'll be right back.